फाइनल है, लोगों को दिखा दूं कि वो ब्राइड है ना, तो वो जरा दिक्कत लाइयो वाले अलग से कपड़े डिसाइड करेगी। और मेरे ना हाथ में पेन हो रही है, मुझे लग रहा है मेरी हाथ की ना हड्डी किसी तरीके से ना निकली है। नहीं अच्छा प्यार लग रहा है ब्रात का। Everyone, this is me, Hira Faisal, and welcome to my YouTube channel. जैसा कि आप सबको पता है कि शादी की तैयारियां जोशो खरोश से शुरू हो चुकी हैं। हमारा जो दुबई का ट्रिप था वो बहुत ही अच्छा रहा। अब हमारे पास बहुत लिमिटेड दिन बच गए हैं, तो आज का दिन हम लोगों ने रखा है कि हम जाएंगे अपने कपड़े सिलेक्ट करने। कुछ डिजाइनर्स के साथ मीटिंग लाइनअप है, तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी मेरे तकरीबन काफ़ी इवेंट्स के जो ड्रेसेस हैं, मैंने मुझे तो सोचा भी नहीं है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। सो मेरी बहनें भी साथ जा रही हैं, सो लेट्स सी क्या होता है। इनको तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन निकलते हैं। बाकी की सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, खाना भी खा लिया है। यहाँ पे कुछ मैडम्स हैं अभी तक रेडी नहीं हुई है। यार उठ जाओ, हो चुकी हूँ, मेरी यही उम्र है, मुझे सब बंद हो जाना है। कपड़े डिसाइड ना हो, बंद करें। चलो मैं कह रही हूँ 6 बजे सब बंद हो गया ना, तो ना कपड़े डिसाइड होंगे ना कुछ होगा। मॉर्निंग फिश यू, गुड मॉर्निंग। मेरी ना नेल पॉलिश उतर चुकी हुई है, तो वो बहुत बुरी लग रही है। सब हम लोग निकलते हैं यहाँ पे जो है। हाँ मैडम ये भी आ चुकी है रेडी होके। चलो कपड़े सिलेक्ट करने, हर हाल में कपड़े फाइनल करके आने हैं। यस, ये किसी मिशन पे जा रहे हैं। सो लेट्स गो। मम्मी अरे आप रेडी क्यों नहीं हुई, आपने नहीं जाना? कर रहे हैं आज ही, इतनी प्यारी है। अच्छा मैं वैसे नॉर्मल प्यारी नहीं लगती हूँ, कितनी झूठ बोल रही हूँ। नॉर्मल प्यारी लगती हो, तैयार हो गए ज्यादा प्यारी। ओह माय गॉड, सब आप रेडी हो जाएं। ठीक है ओके। मम्मा बैग पकड़ने आ रहे हैं गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पे पिछले आधे घंटे से बैठ के वेट कर रही हूँ, और मेरी बहनें और मेरी अम्मा साहिबा अभी तक नहीं आ रही हैं, और मुझे वेट करा रही हैं जैसे मैं इनका ड्राइवर प्रो मैक्स होता हूँ। तो गाइस ये पूरी डोली फाइनली आके बैठ चुकी है, ऐसे लग रहा है पूरा सिस्टर आई जल्लो जी जा रहा कपड़े देखने। आप ही नहीं जा रही, वो अपने अलग कपड़े डिसाइड करी, क्योंकि वो ब्राइड है ना, तो वो जरा दिक्कत लाइयो वाले अलग से कपड़े डिसाइड करेगी। और मैं साथ में अपना साथ में लैपटॉप एडिटिंग का टोकरा लेकर आई हुई हूँ। मैं कौन सी वाली वीडियो एडिट कर रही हूँ, दुबई वाली? गाइस मेरा साबुन थोड़ा स्लो है, बस पेडिंग रखी गया फिर फास्ट फास्ट है। इधर इधर कैमरा फंसा लिया, मेरी एडिटिंग चल रही है हीरा प्रो ड्राइवर। चलो भाई लेट्स गो, और अब चलते हैं आउटलेट और वहाँ जाकर के देखते हैं हमें क्या पसंद आता क्या नहीं आता। लेट्स गो, चूल्हा चूल्हा चल रही है, जब गाड़ी गड्डी चला। फाइनली ये टीम पहुंच चुकी है आउट ड्रेसेस देखने की वाली जगह पे। बड़ी मुश्किल से एड्रेस मिला है, इनको पता नहीं क्या हो गया। देखना जरा ये क्या बना के आई हैं। वहाँ पे मैंने ना सिट्टे वाले अंकल को रोका, वो सिट्टी नहीं, वो जो क्या भून के नहीं रहते मकई, उनको रोका हुआ है। वो खाऊंगी फिर अंदर जाऊंगी। भाई ये लोग सारे वहाँ पर रुक गए हैं मेरे कहने पे, मैंने बोला था कि मैंने मकई खानी है, और अब सब लोग खुद रुक गए। ले कौन कौन से रहे? तो वो बनाएंगे ना, ये गीली वाली मकई चाहिए, गीली वाली मकई और चने। कितने के हैं? कितने के ना पूछो अब, मतलब करते हैं 200 रुपए के कर दे। ये कौन सी मकई है? ये कश्मीरी, ये वाली भाई ये हमें भाई ने करके दे दी है। इस सारी मिक्स कर दी आपने, ले लो किस किस ने खानी है। सबसे पहले मेरी अम्मा खाएंगी, बहुत रबे पकड़ना मेरा हाथ, बहुत गर्म थी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फादर सर, और राबिया को देखना सारा कैसे और अकॉर्डिंग टू राबिया वो फोन नहीं उठा रहे, हाँ लगता है हम ऐसे ही जाएंगे। माँ जी आ जाए बाद में, आ जाए। तो भाई फाइनली अंदर जाते हुए, अब आई होप कि हमें कपड़े पसंद आ जाए। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब से दुबई से आई हूँ मैंने एक भी डिज़ाइनर विजिट नहीं किया है, और ना मुझे पता है कि व्हाट आई एम गोना वेयर, और दिन सीरियसली बहुत कम है। ये ड्रेसेस अभी हमें इनमें कुछ फाइनल करना, और ये मेरी अम्मा ले यहाँ पे चुर चुर चुरमुन शुरू हो गई है। एक शॉल है और एक जाली है, अभी सिलेक्शन नहीं किया इसका। कल के लिए तो ये मैडम ने फर्स्ट ट्राई किया है। कैसा लग रहा है? लाइट्स ऑन करवा रही हूँ, इतना वेट भी नहीं है इसके ज़्यादा। कौन से इवेंट के लिए देख रहे हैं? बारात या फिर मेहंदी के लिए अच्छा लग रहा है। मेहंदी के लिए कलर इसका बहुत लाइट लग रहा है मुझे इसका। ये कलर अच्छा, अगर इसका तुम पर्पल और ग्रीन जो भी पहनती हो ना, फिर बहुत अच्छा लगेगा। और साइज भी अच्छा है। साइज अच्छा है? नहीं साइज मुझे थोड़ा सा खुला लगा तुम्हारे अकॉर्डिंग।
तो अब इसने साड़ी पकड़ ली है। हमारा जो का थीम है वो साड़ी है, तो अब हम लोग सब साड़ियाँ भी, तो उसके अकॉर्डिंगली राबिया ने साड़ी चूज कर ली है ये वाली। तो जल्दी से जाओ देख के आओ, अब कोशिश करो कि ये तुम्हारे साइज पे फिट आ जाए। तुम्हारा लड़का कैरेक्टर शादी पे इनवाइटेड है? हाँ। ओ माय गॉड, फिर मैं शादी पे नहीं आ रही हूँ, ठीक है? कितना प्यारा है। मुझे एक बात बताओ फातिमा, तुम ये पहन के ना यही वाला ड्रेस पहन के शादी पे आ जाना, बहुत बहुत प्यारी लगोगी सच में। मैं कुछ भी पहन लूं मैं प्यारी हूं। ओ माय गॉड यार, क्या मतलब? आप लोग देखो, मैं नहीं जी बेटा जी नहीं, आप भी करेंगी सिलेक्ट। आपको मैं बता दूं, मेरे ना हाथ में पेन हो रही है, मुझे लग रहा है मेरी हाथ की ना हड्डी किसी तरीके से ना निकली है, तो मुझे फिर से पट्टी करवानी पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो इनके पास ना दूल्हे की जो दुल्हा नहीं पहनता कपड़े, वो भी प्यारे लग रहे हैं। बैक देन शाहरुख खान पहनता था उस टाइप तो सही दूल्हे के कपड़े। अब फिर से परी आई है यहाँ पे रेडी होके। हाँ अच्छी लग रही है, लेकिन साइज खुला है वही बात है। इसका ब्लाउज तो बहुत हाँ टाइप जैसे लग रहा है। यहाँ पे ना मैं नहीं, राबिया अपने कपड़े देखने आई है। पर एक बात बताऊँ, कॉम्बो इज टू गुड सच में। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, इसके लिहाज से तो परफेक्ट लग रहा है। लेकिन साड़ी हमने वलीमा पे पहननी है। अच्छा वो नहीं हो जाएगा? अच्छा हम कलर चीट कर सकते हैं कलर, क्योंकि हमने ग्रीन को मेहंदी से मिला दी। ये मोटिव हमारा थोड़ा सा नजर आ रहा था कि वो ब्लेंड हो, बाकी वो हाथ से। तो भाई राबिया को यहाँ से आए हैं दो ड्रेस पसंद, लेकिन अब मैं जा रही हूँ एक और जगह, एक और डिज़ाइनर के पास। वहाँ पे हमारा बेसब्री से वेट हो रहा है, और जाके ट्राई करती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, वरना ये ना हो कि मैं इस वहाँ जहाँ पे मुझे पसंद है, हाँ जहाँ पे मामा के टाइप्स के कपड़े हों, ठीक है? सो या ओके, तो हमारा ड्रेस डिसाइड हुआ है वलीमे का, देखते हैं हम घर अगली जगह पे चलते हैं। लेट्स गो, या देखना जहाँ से गिर के जाएंगी सारी। किनको तुमने करवाया ग्रीन वाला? उनको डेट्स वगैरह बोल दीजिए। सो गाइस लेट्स गो, अगली जगह जाते हैं, वरना मैं इस देखना जरा इनके फूल। हम लोग पहुंच चुके हैं एम एन आर पे मेरी बहन, अब देखते हैं क्या पसंद आता है इन्हें क्या नहीं आता। लेट्स सी, आई होप अब यहाँ से कपड़े पसंद आ जाए और साइज मिल जाए मुझे। के साथ कपड़ों पर टूट पड़ी है वो ब्लैक कलर डिजाइन है, जो कि मुझे भी अच्छा लगे ये मेहंदी के लिए भी अच्छे रहे। तो सो मेरी मामा ने ट्राई कर लिया। ऐसे इसका डिज़ाइन है कैसा? इतना प्यारा लग रहा है ना। वैसे एक बार बताऊँ, जितनी ज़्यादा ऑप्शंस देख लो ना आप, कह तो ये एवी कर लें, एवी कर लें, एवी करना, तो बताएं आपने कौन सा करना। अब कंफ्यूज हो गई हैं। राबिया ने एक और ड्रेस ट्राई किया है, ये किसके लिए देख रही हो, मेहंदी के लिए कि किसके लिए? मेहंदी के लिए। मेहंदी के लिए राबिया ने ड्रेस देखा है। फाइनल है, फाइनल है, लोगों को दिखा दूं? फाइनल है, लोगों को दिखा दूं फिर मैं तुम्हारा ड्रेस पहले रिवील कर दूं। ओके गाइस, तो जो आपका मैंने ड्रेस ट्राई किया है ना, वो कुछ इस तरह का है, एंड आई एम बिट कंफ्यूज। तो अपने घर वालों को जाकर दिखा के थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स गो। खुला खुला लग रहा है ना, दिखाना लग रही है ढोल बजाना। कितनी बदतमीजी करी, बबलू लग रही ढोल बजाना। अच्छा है बट आपको बहुत बड़ा आया है। मेहंदी मेहंदी वाला वो नहीं दे रही भाई, दे रही बारात वाला कलर नहीं है, तो हम कुछ और देखते हैं और वो ट्राई करते हैं जो कि बारात वाइब दे। एक जैनम ने ये पसंद किया है फॉर द मेहंदी, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ये ना अब ज्यादा ऐसे लग रहा है, इट्स टू ओवरलोड। क्योंकि यहाँ से कुछ ही पसंद आया राबिया को, इधर भी एक ही पसंद आया और अभी राबिया को आया। टू सीटर होती है जो बड़ी अच्छी लगती है। चल चलो बच्चे, चलो भाई हमारी गाड़ी है ना, लेट्स गो फॉर अ राइड। तो गाइज ये औरतें पहुंच चुकी है, देखे गले में हाथ डाल के पहुंच चुके हैं। इस टाइम मुझे लग चुकी है शदीद वाली भूख इनका ड्राइवर बन के, और गैस वॉट मैंने अभी तक कोई भी ड्रेस डिसाइड नहीं किया है। सो लेट्स गो। क्या हो गया? तो मेरी बहन है ना, मेरा इंतजार किए बगैर ही ना फटाफट से मैं कपड़े देखना शुरू हो गए। ओके गाइज, तो कपड़े सपड़े सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा हो रहा है टी टाइम।
खाना खा रही हूँ। फाइनल हो गया, राबिया का भी फाइनल हो गया, जैनब का भी फाइनल हो गया, मामा का भी फाइनल हो गया। लेकिन मैं हर दफा ये अच्छा होता, ज्यादा शौक ही ना हो। मेरा मैंने भी एक ऑप्शन सोची हुई है, मेरा भी सेशन के बाद ना मैं एक और ड्रेस ट्राई करूँ, फिर बताऊंगी। तो हिराब भी आ गई, ये वाला ड्रेस पहन के प्यारा लग रहा है। हाँ, ये भी मेहंदी के लिए अच्छा लग रहा है। नहीं मेहंदी के लिए नहीं, बारात समथिंग इसी टाइप का कोई होगा। प्यारा है, अच्छा लग रहा है, घूम के दिखाओ। तो यहाँ पे ना कलर्स डिसाइड हो रहे हैं कि कौन सा वाला कौन से इवेंट पे होगा। मैंने राबिया के ड्रेस का कलर रिवील कर दिया। 341 गाइस, राबिया का नंबर है ड्रेस का, अपना नहीं उसके ड्रेस का नंबर है। लिख ले और कॉल मिलाए और पूछे पुलाव कैसा था। ओके गाइस, तो जो चीजें थी वो आधी मोटी, थोड़ी मोटी, थोड़ी मोटी, छोटी मोटी जो थी सिलेक्ट हो गई है। मैंने भी यहाँ से कुछ ड्रेस फाइनल किए हैं और यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं सबका ही रिएक्शन है यार, कपड़े सिलेक्ट करना इज नॉट एन इजी टास्क, बहुत मुश्किल लगता है पहन के ट्राई करना, फिर ट्राई करना। हाँ, सारे इवेंट्स के लिए ना मैं यूँ घूम रही हूँ, ज्वेलरी भी करनी है, शूज भी करने हैं, कपड़े भी करने हैं, फिर उसके बाद मेकअप भी डिसाइड करना है, तो यार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं एक और जगह एंड देन आई विल बी राइट बैक। तो भाई हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ये वाला मॉल, ताती हूँ। अरे भाई, मैं फातिमा मैडम रुक चुकी है क्योंकि इसका साबुन स्लो है, तो वो अपनी एडिटिंग करने के लिए रुक चुकी है और अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स। राबिया को पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ है रेड कलर पहनने का। इधर देखो, आप ही की जगह ना मैं स्टेज पे तुम्हें बिठा दूंगी। मैंने ये ट्राई किया हुआ है, मेरा दिखाना, ट्राई किया हुआ है। अच्छा है जी मम्मा, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने जो पहना है ये वाला, ज्यादा हैवी नहीं लग रहा? मेरा हैवी लग रहा है ना। नहीं, अच्छा प्यार लग रहा है बरात के हिसाब से। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट ड्रेस मैंने ट्राई किया है वो कुछ इस टाइप का है। बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि कलर क्या पहनूं क्या ना पहनूं। ये थोड़ा सा मुझे ना सिंपल लग रहा है, बट आई लाइक द डिज़ाइन और जो उसका कट है जिस तरह के पास हुआ है। कलर अभी पहनूं अभी ये चेंज करते हैं, दिमाग ऐसे से घूम रहा है। जैनब दिखाओ आपकी, अब जैनब ये वाला ट्राई करके आई है ब्लैक ड्रेस, अच्छा लग रहा है। बट आई थिंक जो तुमने इससे पहले ट्राई किया था ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे फिटिंग कर देंगे। ब्राइड में ना ये भी अच्छा है, मैं पहन लूँ। अच्छा जी, पसंद आ गया। चुंटियाँ नहीं होती हैं भाई, चेक करके बारी बारी करके आ रही हैं। निराशा तो अब हम लोग यहाँ पे ना ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और सिर्फ खाने का वेट हो रहा है, बहुत ज्यादा थक चुके, बहुत ज्यादा खबारी काट ली हम लोगों ने और अब हम लोग किधर जा रहे हैं खाना खाने ढूंढने कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है मुझे, मेरा पेट पूजा करनी है। जी पेट पूजा करनी है और अब हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, ठीक है। फातिमा मैडम की एडिटिंग अपने हाथ में और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। इन मैडम्स को ना उन्होंने वेटिंग लिस्ट पे लगा दिया कि भाई अंदर रश ज़्यादा, तो आप लोग ना अगर बैठ के वेट करें तो ये नुकसान होता है अगर आपने रिजर्वेशन ना कराई हो तो। ये लोग बैठ चुकी हैं सीट से, मम्मी भी ये भी, और अब ऑर्डर क्या करना है वो करो। मैं तो भाई शक्लें देखने नहीं आए हैं, ऑर्डर करो और कुछ खाते हैं जितने तुम गिन नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। अब मेन्यू ऐसे पड़ रही है जैसे उर्दू का सबक याद कर रही होती है। ठीक है, और मामा का आया सीज़र सैलेड, जहान भर की डाइटिंग करती हैं। रहा है प्रॉन रिजॉर्ट, हाँ ये क्या है मेरी फूड है, राबे की फूड है, राबे मेरी नहीं अपना खा रही, आप ही अपना नहीं मेरा खाने वाला खाना मंगवाया दाल। यार मरीजों वाला नहीं है, रिजॉर्ट तो है ये, सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनको इसका पता है। मज़ा बहुत मज़े का, हमारे से खाना खत्म हो चुका है। मैं एक अच्छी बच्ची हूँ, मैंने पूरे प्लेट फिनिश की है। ये थोड़े नंबर मिलेंगे, ये जैनब की प्लेट है, मेरी अम्मा और मैं अच्छे बच्चे हैं और थोड़ी बहुत राबिया भी। तो अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए।
का पकड़ लिया खाना। ऐसे बिल्ली नहीं छिछड़े भूल जाती कुछ है तो कह रही ओए खाना पकड़ लो, इसने सुबह जाकर उसका ब्रेकफास्ट करना है। मेरा लैपटॉप सिरका ना देना अपने हाथ से। चलो अब हम लोग चलेंगे घर की तरफ नॉन स्टॉप रुके। शायद मैं आपको बीच का रास्ता ना दिखाऊं क्योंकि दिखाना बनता भी नहीं। चलो मेरी माँ ने जगह देखी है ना सीरियसली यहाँ पे खड़ी होकर जराबे ले सॉन्ग से ले रही है मम्मा। चलो सर्दियों का पूरा स्टॉक इकट्ठा कर रही हूँ मम्मा। बाजी ये ले लें, ये ब्रांड है कैट कैट। बाजी ये भी ले लें आप, इतना प्यारा है ये। ये कितने का है बाजी? ये 350 का। ये हवा ये हवा 350 के है। नहीं किससे मारूंगी मैं आपको हो गया तो चले। ये पापा का साइज है, ये नहीं ले मुझे वाला आइडिया मैंने। पापा के साइज की ले ले, पापा पहन लेंगे। वो वाली हम दो लाख ऐसी आ रही है। हम गाछीपुरा से नहीं बिलोंग करते। 2000 रुपए अब चाटी ला रही है ना। घास पूरी गिली हुई थी, घास पूरी गिली हुई ऊपर गिर गया और सारा पानी का पानी चल गया। ये देखो डिग्गी खोलो इराफी। ओह माय गॉड, मैं कोई मशीन हो तो मेरे लिए पीछे से खोलूं ट्रंक उसका। खुद खोलो यार, आपको लग रहा है कि हमारी फैमिली आ चुकी है घर। अच्छा लॉक हुआ। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं घर। शदीद वाला थक गए हैं और मुझे अब समझ आई है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करते हैं। सच में भाई ऑनलाइन शॉपिंग करके सिलेक्ट करके घर में ऐड टू कार्ट करके जब आपको डिलीवर हो जाता है ना तो उसका एक अलग ही स्वैग है। बजाय इसके जाके आपको यार ये पसंद नहीं आ रहा, ये पसंद नहीं आ रहा। पिक्चर्स तो ऊपर नीचे करना इजी होता है, हम ये पसंद नहीं आया ये पसंद नहीं आया, लेकिन जब आपको ट्राई करके होता है ना नहीं ये पसंद नहीं आया ये पसंद नहीं आया, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग इज़ द बेस्ट थिंग। और भाई अब मैं तो घर से बाहर नहीं निकलने वाली शॉपिंग के लिए। सो अभी फ्रेश होते हैं एंड देन आपको दिखाती हूँ। Okay guys, so if you like this video, don't forget to like, comment, subscribe and share. Plus don't forget to click the bell icon. I will be right back with another video.